हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 577 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें से इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 418 वैकेंसीज रिलीज की गई है और ये ग्रुप बी पोस्ट है। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में 159 वैकेंसीज रिलीज की गई है और ये ग्रुप ए पोस्ट है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाली है, साथ ही साथ बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ गई थी एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आपको इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आप एक साथ इन दोनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा जो पेन पेपर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे। टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। देखिए, इन दोनों ही पोस्ट के लिए एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराने वाली है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यूपीएससी के नाम से थोड़े डर रहे हैं कि इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई जरूर करना, क्योंकि बहुत ही रेयर ये वैकेंसीज रिलीज की जाती है। एपीएफसी खास करके असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो पोस्ट है ये पिछली बार 2015 में रिलीज की गई थी और अभी 2023 में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है, वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो काफ़ी गैप के बाद वैकेंसीज आई है, तो इसमें अप्लाई जरूर करना। एंड अप्लाई करने के लिए आपको कल 25 रुपीज़ ही एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उसकी एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लो और साथ ही साथ क्वेश्चंस का लेवल जरूर देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक फ्री मॉक टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अगर आप एपीएफसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो इसकी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट है। इससे आपको थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना है एंड आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। चलिए बात करते हैं रिटन टेस्ट में एग्जाम की क्या सिलेबस रहने वाली है। तो सबसे पहले एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर के अगर हम यहाँ सिलेबस देखें तो जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशू से क्वेश्चंस पूछेंगे, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस रहेंगे, देन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड सोशल सिक्योरिटी एंड इंडिया, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे आएंगे। एंड ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर के जो रिटन एग्जाम हो रही है उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें एपीएफसी के लिए, देखिए दोनों अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है, तो आपको दोनों, अगर आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको दोनों अलग अलग एग्जाम देना होगा। चलिए अब देखते हैं एपीएफसी के एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाली है। तो यहाँ भी जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछेंगे, देन इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, साथ ही साथ करंट इवेंट्स से क्वेश्चंस पूछेंगे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे, देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एपीएफसी एंड ईओएओ के पोस्ट के लिए सेम रहने वाली हैं, जो सिलेबस है ये थोड़ा सेम है। तो अगर आप दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए एंड एपीएफसी के पोस्ट के लिए इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे प्रीवियस ईयर में उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी ईपीएफओ एन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में 2021-22 में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो जैसे आपको पता है रिटन टेस्ट 300 मार्क्स का हुआ था, तो ये कट ऑफ आउट ऑफ 300 मार्क्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी 187.39, ओबीसी के लिए कट ऑफ रही 173.12, एससी 160.51, एसटी 156.30, ईडब्ल्यूएस 171.43, PHHI 101.67, PHOH 154.61। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ गई थी अनरिजर्व के लिए 50 मार्क्स। ये इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 मार्क्स कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए कट ऑफ गई थी 45 मार्क्स, एससी 40 मार्क्स, एसटी 40 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 50 मार्क्स एंड PHHI 40 मार्क्स। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गई थी 259.33, ओबीसी 244.51, एससी 234.39, एसटी 231.87, ईडब्ल्यूएस 246.08, PHHI 169.28, PHOH 242.99। चलिए अब बात करते हैं यूपीएससी एपीएफओ यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में जो 2015 में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी एंड टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो 2015 में टोटल 170 पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई थी एपीएफसी के लिए और इसमें टोटल 1,63,316 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए। अगर यहाँ कट ऑफ की बात करें तो
2015 में जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है यानी कि जो रिटन एग्जाम होता था ये 100 मार्क्स का होता था, ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई 66.5, ओबीसी 60.5, एससी 56.5, एसटी 54.5, पीएचओएच 51.5 एंड पीएचएचएच 44.5। इंटरव्यू की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 50 मार्क्स, ओबीसी 45, एससी 40 मार्क्स, एसटी 40 मार्क्स। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी 268.37, देन ओबीसी के लिए 249.86, एससी के लिए 234.74, एसटी 229.30, पीएचओएच 221.94 एंड पीएचएचएच 201.54। यहाँ आप एक साथ ईओएओ और एपीएफसी दोनों ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो और दोनों ही एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग डेज में कंडक्ट कराए जाएंगे। हालांकि एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। सिंस ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा रही है तो यूपीएससी हर साल अपनी कैलेंडर रिलीज कर देती है जिसमें सारे एग्जाम डेट्स मेंशन रहते हैं एंड कुछ कुछ उसमें रिजर्व डेट्स भी रहते हैं, जिसमें अगर यूपीएससी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करा रही होती है तो वो डेट्स यूटिलाइज होते हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि 17th मार्च अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो जो भी एग्जाम डेट्स रहेगी ये 17th मार्च के बाद रहेगी। एंड इसमें अगर आप रिजर्व डेट्स देखोगे तो जो नेक्स्ट रिजर्व डेट है वो 2nd जुलाई है, देन 20 अगस्त है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एपीएफसी या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर की एग्जाम 2nd जुलाई को कंडक्ट कराई जा सकती है एंड उसके बाद फिर 20 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है। और अगर थोड़ा डिले भी होता है तो जो नेक्स्ट रिजर्व डेट्स यहाँ देखने को मिल रही है ये है 8th अक्टूबर एंड 7th दिसंबर, तो इन डेट्स में भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है अगर बहुत ज़्यादा डिले होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी यूपीएससी ईपीएफओ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।